स्वागत है आप सभी का द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क में। और एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है बकरा ईद को लेकर, जो कि 21 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में इस बार मनाया जा रहा है। उसको लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इस बार जिस प्रकार से सभी जानते हैं कि पहले भी जब भी बकरा ईद होती है तब कुर्बानी जो है कुर्बानी दी जाती है जानवरों की, ऐसे में इस बार एक ऑर्डर निकल कर सामने आया है जिसमें कहा गया है कि इस बार स्लॉटरिंग नहीं होगी, इस बार कुर्बानी नहीं दी जाएगी किसी भी किसी भी जानवर की। क्योंकि जब बकरा ईद का फेस्टिवल होता है तो लगभग काफ़ी तरह के जानवरों की जो है स्लॉटरिंग की जाती है, कुर्बानी के तौर पर एक कुर्बानी दी जाती है। लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस हैं उसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी एक ऑर्डर निकाला है कि इस बार स्लॉटरिंग नहीं होगी बकरा ईद के टाइम पर। अब ये ऑर्डर, ये जो लेटर दिया गया है, इस लेटर में क्या लिखा है मैं वो भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। लेटर इशू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से, J&K सिविल सेक्रेटरेट जम्मू एंड कश्मीर। ये लेटर गया है डिविजनल कश्मीर जम्मू के भी और कश्मीर वाले दोनों को, उसके अलावा IGP जम्मू एंड कश्मीर। सब्जेक्ट साइटेड है स्टॉपेज ऑफ इलीगल किलिंग सैक्रीफाइसेस ऑफ कॉज काल्व्स कैमल्स एंड अदर एनिमल्स एंड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडर्स ऑफ वायोलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स रूल्स ऑन द ओकेजन ऑफ बकरा ईद। तो अगर इस लेटर की बात करूँ, इस लेटर में इन्होंने हवाला दिया है एक लेटर का जो कि 25/6/2021 को इशू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की तरफ से, वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से जो था ये जो लेटर इशू किया गया था उसका हवाला दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आर सेक्रीफाइज ऑन द ईव ऑफ बकरा ईद। सो बकरा ईद फेस्टिवल के दौरान जो कि 21 तारीख से लेकर 23 जुलाई के बीच में मनाया जा रहा है इस बार, ऐसे में इन्होंने डायरेक्शंस दी हैं कि इस बार इन व्यू ऑफ द अबव आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू टेक ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट एंड रूल्स रेफर्ड अबव फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनिमल वेलफेयर लॉज टू स्टॉप इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड टू टेक स्ट्रिंजेंट एक्शंस अगेंस्ट द ऑफेंडर्स वायलेटिंग एनिमल वेलफेयर लॉज। यानी कि क्लियरली इस लेटर में मेंशन किया गया है कि इस बार किसी भी जानवर की जो है कुर्बानी नहीं दी जाएगी और किसी भी जानवर के खिलाफ जो है क्रुएल्टी नहीं बरती जाएगी बकरा ईद के दौरान। और अगर कोई भी इस लॉ को तोड़ता हुआ पाया गया या फिर कोई भी वायलेट करता हुआ पाया गया इस लॉ इस लेटर के इस ऑर्डर को, तो उसके खिलाफ जो है काफ़ी सख्त एक्शन जो है लिया जा सकता है। और साथ ही साथ बात अगर मैं करूं इस पूरे बकरा ईद के बारे में, तो 21 जुलाई से लेकर इस बार 21 जुलाई से 23 जुलाई तक जो है बकरा ईद फेस्टिवल पूरे जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जा रहा है और हर साल कुर्बानी जो है जानवरों की दी जाती है। लेकिन इस बार ये ऑर्डर आ चुका है और अब देखना होगा, ऑर्डर आ चुका है क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऑर्डर्स आ जाते हैं लेकिन उसके बाद एनफोर्स होते हैं या नहीं वो आप सभी को पता है कि क्या हालत रहती है। अब देखना होगा, ये ऑर्डर भी आ चुका है लेकिन एनफोर्स होगा या नहीं होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और 21 तारीख से 23 तारीख का वक्त ही बताएगा कि इन ऑर्डर्स को किस प्रकार से एनफोर्स किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ बात करूं अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, जहां पर कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं सही ढंग से काम नहीं करते हैं, ऐसे में पिछले साल अक्टूबर 2020 में आपको याद होगा एक ऑर्डर निकाला गया था कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो 22 साल का अपना जॉब टेन्योर पूरा कर चुके हैं या फिर जिन्होंने 48 साल की यानी 48 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली है, उन्हें उसके बाद किसी भी टाइम पर जो है रिटायर किया जा सकता है डिपेंडिंग कि वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनका काम काज कैसा है, क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ का पूरा रिव्यू लेकर जो है उन्हें रिटायर किया जा सकता है या आगे के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में बात करें उसी चीज़ को लेकर, तो पिछले वो ऑर्डर तो निकल गया था लेकिन फिर भी उसके बाद कुछ भी उसमें एक्सरसाइजेस नहीं हुई, कोई उसके खिलाफ एक्शन, कोई वैसा एक्शन नहीं दिखा उसमें। लेकिन अब एक लेटर जो है, एक ऑर्डर जो है निकाला गया है इसके रिगार्डिंग, जिसमें रिव्यू होगा कि ये लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं किस प्रकार से नहीं। बात करो अगर, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी ने कहा है इस बारे में कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द डिपार्टमेंट्स हैव नॉट इनिशिएटेड एनी एक्सरसाइज फॉर रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि गवर्नमेंट सर्विसेज की परफॉर्मेंस रिव्यू करने के लिए कोई भी एक्सरसाइज इनिशिएट नहीं की गई थी, उसी चीज़ को लेकर एक फ्रेश सर्कुलर जो है 15 जुलाई को
निकाला गया है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जो हैं उन्होंने कहा है कि नोटिस में आया है उनकी कि जितने भी इस प्रकार की जो ऑर्डर निकला था इसको लेकर कोई भी एक्सरसाइज नहीं की गई है, लेकिन अब जो है उन्होंने ऑर्डर दिया है लगभग हर एक डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया है कि इस चीज़ को लेकर एक्सरसाइज की जाए, रिव्यू किया जाए कि वर्कर जो हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनका कार्यकाल कैसा है, वो कामकाज कैसे कर रहे हैं, उनका कामकाज का पूरा तरीका कैसा है, उस चीज़ को रिव्यू करने को कहा है। और ये भी साथ में कहा है कि अगर जो भी ऑफिशियल्स हैं कामकाज सही नहीं किया करते हैं उनका भी उन्हें रिटायर किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पिछले साल ऑर्डर निकाला लेकिन उसमें ऑर्डर निकलने के बाद भी इस एक्सरसाइज को रिव्यू करने में बहुत टाइम लग गया, लगभग अक्टूबर 2020 में ये ऑर्डर निकला था, लेकिन उसके बाद 7 महीने, अभी ये जुलाई 2021 के अभी हो गए, उसके अलावा पिछले साल के भी 3 महीने निकल गए, लेकिन इतनी देर के लगभग 9 से 10 महीने के बाद इसके ऊपर एक्शन लिया गया है। चलो देर आए दुरुस्त आए, कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया तो सही। अब देखना होगा, इन्होंने भी अपना एक सर्कुलर है जारी कर दिया, ऑर्डर जारी कर दिया, लेकिन अब सबसे बड़ी बात देखने वाली क्या डिपार्टमेंट्स इस तरह की एक्सरसाइज शुरू करेंगे या नहीं करेंगे, जैसे भी आगे इन्फो आता रहेगा हम आपको इन्फो प्रोवाइड करते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए बने रहें द फोर्थ स्टेट न्यूज़ नेटवर्क के साथ। जय हिंद।